हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैं आज आपको दही बड़े बनाना दिखा रही हूँ। मैंने उड़द की दाल को 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब वो भीग चुकी है। अब मैं उसको धो कर के और मैं मिक्सी में पीसूँगी। उसमें मैंने हींग मिलाई है। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए दोस्तों, हमारी दाल पीस के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। मैं इसमें नमक मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार। मैं हरी धनिया और अदरक और हरी मिर्च, मैंने सब चीज़ तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी काट ली हैं और मैं इसको इसमें मिला रही हूँ। और मैं इसमें किशमिश और काजू भी भरूँगी। ये देखिए, मैंने इसमें काजू ले लिए हैं और किशमिश ले लिए हैं। मैं काजू और किशमिश के टुकड़े इसमें डालूंगी दही बड़े में। फेस्टिवल का टाइम है, कोई भी गेस्ट आएगा तो उसको दही बड़े खिलाऊंगी बढ़िया अपने हाथ के बने हुए। मैंने अपने हाथ में पानी लगा लिया है। अब मैं इसमें अपने हाथों की गदेली पे इसको रख के दही बड़े को बनाऊंगी तो इससे बहुत बढ़िया बनेंगे दही बड़े। इसमें मैंने किशमिश भरी है। इसमें मैंने किशमिश और काजू भरा है ये, और मैं इसको करके इसको मैंने ऐसे करके मैं कढ़ाई में दही बड़े में हम लोग छेद करके बनाते हैं। बीच में पूरा दही अंदर तक सोख जाता है। खूब बढ़िया दही फेट करके मैं तैयार अभी करूंगी और उसमें दही बड़ों को भिगोऊंगी। ये देखिए, हमारे बड़े एक तरफ से हो गए हैं। ये देखिए, हमारे बढ़िया फूल गए हैं। अब मैं इसको पलटूंगी। दही बड़े खूब सॉफ्ट और बढ़िया फूलते हैं तभी दही बड़े अच्छे लगते हैं। टाइट नहीं होने चाहिए दही बड़े, एकदम सॉफ्ट। ये देखिए, हमारे दही बड़े एकदम फूल गए हैं, खूब बढ़िया, बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, मैं उनको अब निकाल ले रही हूँ प्लेट में। ये देखिए, मैंने दही बड़ों को प्लेट में निकाल लिया है। मैं इसको अभी आपको दिखाती हूँ कि इसको मैं दही में कैसे डालूँगी। मैं दही रेडी कर रही हूँ, इनको मैं रख दे रही हूँ। देखिए, मैंने दही को लिया है इसको, और दही को मैं फेंट लूँगी। और इसमें मैंने 250 ग्राम चीनी, 1 किलो हमारा दही है और 250 ग्राम 300 ग्राम के करीब मैंने 250 ग्राम वैसे चीनी पीसी है। कम मीठा लगेगा तो थोड़ी सी और पीस के डाल दूंगी। इसमें मैंने पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है अभी। बढ़िया दही मेरा फट रहा है। फेस्टिवल पे सब लोग आते हैं तो थोड़ा नाश्ता रहता है बढ़िया बढ़िया, तो थोड़ा सा मैं फेस्टिवल है तो मैंने दही बड़े बना लिए। मैंने सोचा दही बड़े बना लो। देखिए, मेरा दही फेट करके और मैंने जो दही बड़े बना के रखे थे उसको मैंने देखिए अब दही में डाले हैं। अब इस थोड़ी देर ये भीग जाएंगे थोड़ी देर बढ़िया। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट फूले फूले हमारे दही बड़े बने हैं एकदम। दही बड़े जब तक सॉफ्ट नहीं होते तब तक बढ़िया नहीं। देखिए कितने फूले फूले दही बड़े, एकदम सॉफ्ट बिल्कुल अंदर से। अभी ये दही में भीग जाएंगे तब बहुत ही टेस्टी हो जाएंगे। देखिए, हमारे दही बड़े 1 घंटे के लिए मैंने भिगो के इसको रख दिया था। अब हमारे दही बड़े एकदम फूल के तैयार हो गए हैं। ये देखिए, मैं इसको सर्व कर रही हूँ।
देखिए मैं इसको कुल्हड़ में सर्व कर रही हूँ, बढ़िया दही बड़े मैं इसमें, अब इसमें जीरा मसाला मिर्च सब मिलाती हूँ, अभी आपको दिखा रही हूँ। इसमें देखिए मैंने जीरा मसाला डाला है, थोड़ी सी रेड चिली डालूँगी। ये देखिए मैंने इमली की चटनी बनाई है, मैं इसको इमली की चटनी डाल रही हूँ, रेड चिली पाउडर अपनी। इसमें मैंने रेड चिल्ली पाउडर भी डाल दिया है। अब मेरा ये सर्व करने के लिए दही बड़ा एकदम रेडी हो गया। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट दही बड़े हैं, बिल्कुल खाने के लिए एकदम रेडी। ये देखिए एकदम बिल्कुल सॉफ्ट, इसको चम्मच से आराम से आप इसको तोड़ लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए हमारा दही बड़ा बिल्कुल बन के तैयार है, बिल्कुल ये रेडी टू सर्व। देखिए मैं खा के, वाह क्या दही बड़े। देखिए दही बड़े कितने टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बने हैं। अब आप इसको मेरी लाइक मेरी से रेसिपी पसंद आई हो तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैप्पी दिवाली।